कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं अश्विनी त्रिपाठी। पिछले कई दिनों से एटीएम में लग रही लंबी कतारें और अपने ही पैसे को लेने के लिए परेशान होते लोगों ने एक बार फिर नोटबंदी की याद ताजा कर दी है। पर इस बार ये घोषित नोटबंदी नहीं बल्कि अघोषित नगदबंदी है। न तो 8 नवंबर 2016 की तरह पुराने किसी भी नोट पर रोक लगी है और न ही कोई नया नोट रिजर्व बैंक के द्वारा बाजार में परोसा गया है। फिर भी एटीएम खाली हो गए। जिनके घर में शादी है या जिन्हें किसी और काम के लिए तुरंत कैश की जरूरत है वो एक एटीएम से दूसरे एटीएम के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी जरूरत के मुताबिक पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। जबकि नोटबंदी की मार से लोग अभी भी पूरी तरह से उबर नहीं पाए थे कि एक बार फिर नकदी संकट ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसा कोई एक दो राज्यों का नहीं अपितु देश के कई राज्यों का हाल है जहां लोग एटीएम से खाली हाथ लौट रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बैंकों के एटीएम खाली पड़े हैं। जहां इक्का दुक्का एटीएम चल भी रहे हैं तो वहां जरूरत के मुताबिक पैसे नहीं मिल पा रहे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो 80% एटीएम का हाल बेहाल है। अचानक आया है संकट, सरकार और बैंकिंग प्रणाली दोनों पर सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या सरकार और रिजर्व बैंक को जरा भी भनक नहीं लगी कि नकदी की कमी होने वाली है? क्या ये वित्त विभाग का बड़ा फॉल्ट नहीं है? हालांकि सरकार और रिजर्व बैंक एक सुर में दावा कर रहे हैं कि देश में पर्याप्त नकदी है, मगर धरातल की स्थिति को देखते हुए सरकार की बात आसानी से गले नहीं उतरती। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक नकदी संकट आ गया, वो भी तब जब देश में 18 लाख करोड़ रुपए की नकदी चलन में है? वहीं प्रदेश में तो 2000 रुपए के नोट ही गायब हो गए। क्या यह रकम जमाखोरों के हाथ में पहुंच गई है? क्या 2000 के नोट की जमाखोरी तेजी से बढ़ रही है या फिर ये वित्तीय कुप्रबंधन है जिम्मेदार? ऐसे में आज चर्चा अब नकदबंदी के इसी मुद्दे पर। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। तो देश और प्रदेश में कैश की किल्लत के लिए फाइनेंशियल रेजुलेशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस यानी FRDI बिल को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बैंकिंग व्यवस्था में सुधार को लेकर मोदी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ऐसा बिल लेकर आ रही है जो यदि पास हो गया तो बैंक दिवालिया होने की सूरत में अपने ही संसाधनों का इस्तेमाल कर संकट से उबर जाएगा, यानी बैंकों में जमा हमारा और आपका पैसा ही दांव पर लगेगा। सरकार फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल यानी FRDI बिल वित्तीय संस्थानों के दिवालिया होने की स्थिति से निपटने के लिए ला सकती है। जब भी कोई बैंक अपना कारोबार करने में सक्षम नहीं होगा तो वह अपने पास जमा आम लोगों के पैसे लौटा नहीं पाएगा तो उस बैंक को इस संकट से उबरने में यह बिल मदद करेगा। यानी कुल मिलाकर बिल के आने के बाद आपका पैसा बैंकों में भी सुरक्षित नहीं होगा, जिसके कारण लगातार बढ़ रहे एनपीए की वजह से ग्राहकों में घबराहट बढ़ती जा रही है और डर की वजह से एटीएम से ज्यादा पैसा निकालने की होड़ सी बची है। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। तो देश के कई छोटे बड़े शहरों में एटीएम से कैश गायब होने की खबर से हड़कंप मच गया है। बड़ी संख्या में लोग एटीएम में पहुंचने लगे हैं। हालांकि वित्त मंत्री ने साफ किया है कि कैश की कोई कमी नहीं है, लेकिन साथ ही वित्त मंत्रालय यह दावा भी कर रही है कि एक हफ्ते में कैश की किल्लत दूर कर दी जाएगी, जो अपने आप में वित्त मंत्रालय के दोनों दावों की पोल खोल रहा है। उधर शहरों के ज्यादातर एटीएम खाली पड़े हैं, जिसके कारण लोगों को इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि हालात पहले जैसे सामान्य होने में अगले और भी कई दिन लग जाएंगे। तारीख 8 नवंबर 2016, समय रात ठीक 8 बजे। मोदी का बड़ा ऐलान,
8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे मोदी ने जैसे ही नोटबंदी का ऐलान किया, पूरा देश सत्ते में आ गया। इसके बाद शुरू हुई कैश की किल्लत कई महीनों तक चली। हालात ऐसे बने कि मानो पूरा देश एटीएम की कतार में खड़ा हो गया हो। केंद्र सरकार ने उस समय 3 महीने में हालात सामान्य होने का दावा किया था, लेकिन करीब 1.5 साल बाद भी बैंकिंग व्यवस्था चरमराई हुई है। नए 500 और 2000 के नोट अब भी जनता के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। अधिकांश एटीएम के सामने नो कैश का बोर्ड टंगा है। सबसे बड़ी बात कैश किल्लत को लेकर यह है कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं, पर एक बार फिर परेशान हो रही है देश की जनता। सबसे ज्यादा मुसीबत में वो लोग जिनके घर में अक्षय तृतीया पर शादी थी, ऐसे मौके पर भी उन्हें पैसे के लिए भटकना पड़ा। अब ये वित्तीय कुप्रबंधन हो या साजिश, पर एक बार फिर सारे काम छोड़कर कतार में खड़ा है देश का आम आदमी। मेरे घर का कुछ खर्च है, मेरी बच्ची का फीस पटना है स्कूल का, जिसके लिए लगातार स्कूल से मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि आप अपना फीस पटाइए नए सत्र का। अब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ से जमा करें फीस के लिए। 2-3 दिन से लगातार हो गया आते हुए और यही स्थिति। हम तो साल भर से यही चीज को भुगत रहे हैं, जब से नोटबंदी हुआ है तब से नोट की ही समस्या है। मैं पैसा निकालने आया था, यहाँ तो है नहीं पैसा इस एटीएम में, कई और एटीएम में घूम के आया हूँ, वहाँ भी पैसा नहीं, और पैसे की बहुत जरूरत है और पैसा मैं नहीं पा रहा। ये मेन ब्रांच है डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ पर इसमें एटीएम में अभी तक पैसे नहीं निकल रहे हैं, तो बाकी एटीएमों का क्या हाल होगा। नोटों की किल्लत से आम जनता परेशान है तो सियासतदारों को राजनीति करने का मौका मिल गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कैश की किल्लत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। मेरे बहनों और भाइयों, कैश की कृत्रिम कमी पैदा की जा रही है। जब नोटबंदी हुई थी तब नोटबंदी के समय 15 लाख करोड़ रुपए के नोट बाजार में थे और आज 16.5 लाख करोड़ के नोट छाप के बाजार में भेजे गए हैं, लेकिन 2-2 हजार के नोट कहाँ जा रहे हैं, कौन दबा के रख रहा है, कौन कैश की कमी पैदा कर रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, ये भी षड्यंत्र है ताकि दिक्कतें पैदा हो। बड़ी संख्या में जो 2000 के नोट है ये आउट ऑफ सर्कुलेशन हुए हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं, सेफ कीपिंग भी एक कारण हो सकता है, सेफ हैंडिंग साथ में ले जाना का साथ साथ, और अन्य दूसरे कारण आप समझते हैं वो भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि विपक्ष ने ऐसा कुछ तय किया हो, अपने लोगों को बोला हो कि जो बड़े नोट है उनको आउट ऑफ सर्कुलेशन कर दो, जितना भी कर सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इधर कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार के राज में करोड़ों रुपए लेकर माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग विदेश भाग गए हैं और देश की जनता नोटों के लिए परेशान हो रही है। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को, उसके बाद से लगातार बैंकों और एटीएम से पैसा निकलना बंद हो गए, लंबी लंबी लाइनें लग गई, लोग लाइनों में मारे गए और एक बार फिर ये स्थिति पैदा हुई। और ये इसलिए कि नीरव मोदी और माला और चौकसे जैसे लोग जनता का पैसा लेकर विदेशों में ऐश कर रहे हैं और यहाँ जनता को अपने कामों के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। खैर, मौजूदा नकदी संकट के लिए रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली काफी हद तक जिम्मेदार है। करेंसी चेस्ट में नोटों की सप्लाई घटकर 40% रह गई है, इसलिए करेंसी चेस्ट बैंकों को भी उनकी मांग के अनुरूप पैसा नहीं दे पा रहे। ग्रामीण इलाकों में जरूरत के हिसाब से नकदी नहीं पहुंचाई जा रही है। 50, 100 और 200 के नोट पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वित्तीय कुप्रबंधन हो या फिर कोई साजिश, पर नोटबंदी के 1.5 साल बाद जनता को नकदबंदी के हालात से क्यों गुजरना पड़ रहा है, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो पीएम मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना कैसे पूरा हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जब 1.5 साल बाद भी नोटबंदी के फैसले पर लचर दिखी सरकार, डिजिटल इंडिया का सपना नहीं हो पा रहा साकार और कैश की किल्लत के लिए सरकारी वित्तीय प्रबंधन हो जिम्मेदार, तो सवाल उठते हैं।
देश में 1.5 साल बाद एक बार फिर क्यों नोटबंदी जैसे हालात? कैशलेस एटीएम के बीच प्रधानमंत्री मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना कैसे हो पाएगा पूरा? कैश की किल्लत, वित्तीय कुप्रबंधन या कोई साजिश? तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद है श्री विकास मुंद्रे जी हैं, बीजेपी संसद विकास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री संजय श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस संस्थान संजय जी आपका स्वागत है। आरपी श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार विशेष टिप्पणी के लिए श्रीवास्तव जी आपका स्वागत है। और रायपुर से हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे तपेश चंद्र गुप्ता, वरिष्ठ अर्थशास्त्री। तब पहला सवाल थोड़ा सा विकास जी आपसे ही। जी, हमने मुख्यमंत्री जी का बयान आपको सुनवाया, अभी उन्होंने भाषण में बोला ये एक साजिश है। मैं आप ही से पूछ ले रहा हूँ कि साजिश कहाँ की है? क्या इतना जितना भी देश का पैसा है विपक्ष ने खुद उठा के घर में रख लिया है क्या? ये तो एक हास्यास्पद नहीं नित्य पाटी जी, देखिए बात गंभीरता से, विपक्ष में जो दल है जी वो होल्डिंग मास्टर रहा है जी, तो एक उस तरफ भी इशारा हो सकता है। होल्डिंग मास्टर रहा मतलब? अरे साहब, हमेशा आपने देखा होगा शक्कर भी होल्ड करी इनने, प्याज भी होल्ड किया वक्त वक्त पे, और कुछ दिन पहले तो हम सुनते थे कि नमक की बोरी 250 रुपए में बिक रही थी। हाँ। तो विपक्ष इस मामले में उस्ताद है। इस बार पैसा साजिश 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 में इस दिन की कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। इसके अलावा भी अगर नोट होल्ड किए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा जबरिया, मतलब जानबूझ के रखे जा रहे हैं, तो ये भी एक साजिश का पार्ट हो जाता है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को इस ढंग से चोट पहुंचाना, लिक्विडिटी को अनमैनेजेबल बनाना, ये कोई अपराध साजिश काम तो नहीं है। ये अपराध तो सरकार के ऊपर है, माने वित्तीय कुप्रबंधन सरकार दिख रहा है। ये आपके समझ में नहीं आ रहा है कि वित्तीय कुप्रबंधन है, और अगर विपक्ष पैसा लेकर के अपने सबके यहाँ छापा डलवा दीजिए विपक्ष के, आपके साथ संजय जी मामले में आपने देखा होगा 2 दिनों से छापेमारी हो रही है और नोट भी बरामद हुए हैं। कहाँ कहाँ हुए हैं? कर्नाटक में बहुत सारी जगह पे खबरें आई हैं कि 12-15 जगह पे हुए हैं चुनाव क्षेत्र, सारे कांग्रेसी थे, सत्ता कांग्रेस के पास, सत्ता कांग्रेस के पास है वहाँ जी। त्रिपाठी जी, मूल विषय यह है, इसके अलावा भी हम जब देखते हैं तो एक बार जब स्केयरसिटी की खबरें जाती हैं जी, तो एक इंडियन मेंटेलिटी है, इंडियन के ह्यूमन मेंटेलिटी है कि हम उस चीज को और प्राप्त करते हैं। अब हमें जरूरत 5,000-7,000 रुपए नकदी की है, हम पता लगा कि 25,000 का एटीएम से विड्रॉवल चाह रहे हैं, पता लगा जो 500 के नोट थे वो भी सब 2-4-5 व्यक्ति ही ले गया। इसके अलावा भी कुछ टेक्निकल इश्यूज आए हैं जो अध्ययन में आए हैं, जो एक लर्निंग का भी पार्ट होंगे, लेकिन फर्स्टली तो अब आज जो प्रॉब्लम आया है इसको, इस लॉजिस्टिक प्रॉब्लम को, बेसिकली इस लॉजिस्टिक प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए, सरकार ने आरबीआई के काम में इसलिए इंटरवीन भी किया है, उस मैनेजमेंट के लिए अलग कमेटी भी बनाई है सरकार के स्तर पे भी, ताकि इसको मॉनिटर किया जा सके। विकास जी, जी जो भी आप बोल रहे हैं पब्लिक सुन रही है। नहीं नहीं बिल्कुल, आपको मालूम है इस लॉजिस्टिक को मेंटेन करना, बैंक्स बैंक चेक्स को मेंटेन करना उनके रीजनल बैंकर्स का काम है, इसके बाद में आरबीआई इस काम को करता है, लेकिन ठीक है लॉजिस्टिक सारी लर्निंग आपकी ही सरकार में हो रही है। एटीएम में पैसे नहीं मिल रहे, नोटबंदी सब आपकी ही सरकार में सारी, अगर 5 साल जनता को सिखा देंगे आप। अगर एटीएम में दिक्कत आई है तो पीओएस मशीन्स हैं, लगभग 4.5 लाख पीओएस मशीन से इसके ऊपर एसबीआई ने चालू किया है कल से कि आप बिना किसी चार्ज के कैश विड्रॉवल पीओएस मशीन के माध्यम से कर सकते हैं, और जो 4.5 लाख के लगभग पीओएस मशीन पूरे हिंदुस्तान में लगी हुई है। और एटीएम कितने हैं ये बता देंगे? एटीएम की संख्या भी लगभग तकरीबन इसी के लगभग आती है, 2.5 लाख के लगभग, लेकिन जो मैं कह रहा हूं बात को कि एटीएम मशीन में कुछ प्रॉब्लम कैसे आई, मतलब हमें देखना भी पड़ेगा। एटीएम ज्यादा पैसा नहीं, बड़ा मशीन में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, पैसे मशीन नहीं है। की प्रॉब्लम कैसे बन जाती है त्रिपाठी जी, इसको अध्ययन किया गया है। दर्शक आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, दूर से सेवाराम जी सवाल सवाल करें। त्रिपाठी जी नमस्कार जी, विकास जी से ही सवाल करिएगा। विकास जी से सवाल है मेरा जी, क्या नोटबंदी के बाद जो हालात पैदा हो रहे हैं उसका सरकार को है
नोटबंदी के बाद आज व्यापार चौपट होते जा रहा है, नकदी का संकट समय समय पर दिख रहा है। ऐसे में जब बैंक अपने को दिवालिया घोषित करके आम जनता का पैसा हड़प लेगी, तब जनता का गुस्सा क्या सरकार पर नहीं फूटेगा? अर्थात आने वाले चुनाव भाजपा पर भारी नहीं पड़ेगा सर? नहीं नहीं, कोई भी बैंक ने ऐसा दिवालिया होने का कहीं कोई आवेदन नहीं दिया है, ना सरकार के सम्मुख है ऐसा कोई आवेदन है, ना कोर्ट में है, ना किसी बैंक की ऐसी हालत है। पीएनबी जिसे कि आपने देखा होगा 11-12 हजार करोड़ रुपए का देनदारी करनी पड़ी, वो भी उसकी भी मैनेजमेंट बता रहा है कि हमारी हेल्थ ठीक है। तो आप इस मामले में बेफिक्र रहिए, आरबीआई सरकार इन बातों को देख रही है, इसके ऊपर बकायदा ध्यान दे रही है, और कहीं भी किसी भी बैंकिंग कस्टमर को ये संदेह मन में लाने की जरूरत नहीं है कि बैंक में मेरा पैसा असुरक्षित है। बिल्कुल सेवाराम जी, सरकार देख रही है, देखेगी, आगे भी चलता रहेगा इसी तरह। परेशानी आपको हुई नोटबंदी में, अभी पैसा आपको नहीं निकल पा रहा, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को घर के सामान खरीदना है, वो इधर से उधर पहले पेट्रोल लगाना है। एक तो हमारे साथ ऐसे भी कस्टमर आए कि बोले पेट्रोल लगाने के लिए पैसा नहीं, पेट्रोल भी खत्म हो गया, तो अब दूसरी जगह एटीएम में जा भी नहीं सकते। फिर भी देख रही है सरकार। विकास जी, संजय जी आपके ऊपर आरोप लगा, कितना पैसा आपने जमा कर लिया है 2000 वाले? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, आपने कितना जमा कर लिया है? देखिए कांग्रेस के पास जो है क्या है वो इनको सब मालूम है जी, और भारतीय जनता पार्टी जो है एक्सपर्ट है, 16 महीने के अंदर 7 स्टार अपना जो है कार्यालय बना देती है जी। 16 महीने में शायद देश में कोई प्रोजेक्ट इतनी जल्दी पूरा नहीं हुआ होगा जी। तो ये एक्सपर्ट है ये नोटों का खेल करने के लिए, और नोटबंदी जो है वो सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज तक पूरी दुनिया को ये समझ में नहीं आ पाया कि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी क्यों करी थी जी। और जो आशंका व्यक्त की गई उसके बाद जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे और जो आर्थिक विशेषज्ञ थे, उन्होंने एक आशंका व्यक्त करी कि भारत में नोटबंदी का कारण यह है कि जो ये सरकार थी, ये जो सरकार है, इस सरकार ने बहुत से बड़े उद्योगपतियों से वादे कर रखे थे कि हम आपका जो है ऋण माफ करेंगे, और ऋण माफ उसी स्थिति में हो सकता था जबकि बैंकों के पास पर्याप्त संख्या में धन हो, उसी स्थिति में हो सकता था। तो नोटबंदी का कोई आर्थिक कारण नहीं था, कोई इकोनॉमिक रीजन नहीं था, केवल एक ही कारण था कि उन बैंकों में इतना पैसा पहुंचा दो जिससे कि वो जो है लोगों की, जो जिन लोगों को सरकार सहायता करना चाहती है, जिन उद्योगपति मित्रों की सहायता करना चाहती है, उनके जो है ऋण माफ कर दे। और आज आप देखिए स्थिति यह है नोटबंदी के बाद कि जनता जो है वो घबराहट में है, जनता जो है विश्वास नहीं कर पा रही है बैंकों की कार्यप्रणाली के ऊपर। एक तरफ जो है एफआरडीआई एक्ट जो है, जो आपने अभी बताया जी, ये बिल्कुल मुहाने पे खड़ा हुआ है कि किस तरह से जो है उसको सरकार पास करा दे जी। और दूसरी तरफ जो है अगर बाहर आदमी नगद पैसा रखता है तो बड़े मोदी जी उसके लिए तैयार है, उस पर छापा डलवाने के लिए, और यदि बैंकों के अंदर रखता है तो छोटे मोदी बैंक के अंदर बैठे लेके भागने के लिए। तो आज की जो स्थिति है उसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो नोट की किल्लत हुई है पूरे देश भर में, आज अघोषित नोटबंदी जो है पूरे देश में फिर से हो गई है, और उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि सरकार जो है उसका कुप्रबंधन है, या फिर सरकार नगदबंदी हुई है, नगदबंदी हुई है, नगदबंदी हुई। आज नोटबंदी में जो हालात थे तब एटीएम पे लाइन लग रही थी, आज स्थिति हो गई कि बैंकों के अंदर, मैं आज की घटना बता रहा हूं कि मैं खुद गया कैश निकालने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की शाखा में, तो वहां कम से कम जो है 100 लोग खड़े हुए थे कैश निकालने के लिए, कैश विड्रॉल करने के लिए, जिनको 500, 1000, 2000, 5000 रुपए चाहिए थे। तो ये स्थिति क्यों पैदा हुई? आपको आज क्यों जाना पड़ा? विकास जी तो बोल रहे हैं आप लोगों ने सब जमा के रख लिया। नहीं नहीं साहब, ये तो हास्यास्पद चीज है कि जब जो है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जी, जो शिवराज सिंह जी चौहान हैं, जिनके ऊपर कई बार ये आरोप भी लगे हैं कि उनके घर में बहुत सारी नोट गिनने की मशीनें हैं, तो उनको जब ये परेशानी हुई कि उनके पास नोट की कमी हो गई, तो उन्होंने सीधे आरोप किसको लगाया? उन्होंने केंद्र सरकार पे आरोप लगाया। चूंकि उनकी आदतन वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते रहे, तो वो ये भूल गए थे कि आज केंद्र में जो है कांग्रेस की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो शायद जो है ये जो उनका जो अभी कुछ दिन पहले जो उन्होंने बयान दिया है, जो भाषण दिया है, उससे समझ में आ रहा है कि उनका आरोप सीधे सीधे केंद्र सरकार के ऊपर है। चलिए, ये आपने अच्छा बता दिया विकास जी को उत्तर देने के लिए। हम एक बार अर्थशास्त्री हमारे साथ तपेश चंद जी के पास चलते हैं, लेकिन हमारे दो दर्शक हैं सागर से। शशि नंदन जी, सवाल करें।
सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैंने पूछना चाह रहा था प्रधानमंत्री से जी कि हमने नोटबंदी का समर्थन किया था कि मार्च तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी जी, और आज एक माह एक साल के बाद भी जी मैं लगातार 5-6 दिन हो चुके हैं लगातार एटीएमओ के चक्कर काट रहा हूँ, बैंक के चक्कर काट रहा हूँ, मध्यम वर्ग पंजाब से हूँ, गेहूँ खरीद के रखना है, अन्य सामग्री खरीद के रखना है जी, ये बता सकते हैं कि कब तक खाने वाले झेलना है, कब तक और समर्थन हमें करना होगा? ये तो विकास जी बोल रहे हैं कांग्रेसियों ने रख लिया है नोट सारे, कांग्रेस नोट लिए होंगे 2000 के, फिर भी सरकार के पास में नहीं, उनका उनके सवाल का उत्तर दे दीजिए, शशिनंदन जी के सवाल का उत्तर जी, शशिनंदन जी के सवाल का उत्तर दे दीजिए। शशिनंदन जी देखिए लगभग जो 70-80% एटीएम्स हैं वो प्रॉपरली अब आज वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर रुपया वो जबरदस्ती भटक रहे हैं सागर में, नहीं मैंने कहा 70-80% आ गए हैं, कुछ बैंक्स की लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम रही जिस कारण से एटीएम खाली रहे, मैंने इसलिए निवेदन किया कि लगभग 4.5 लाख POS मशीन भी जो केवल SBI की बाकी बैंक्स की अलग होंगी उसके द्वारा भी आप विड्रॉवल करेंसी का कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, बैंक्स ने ये इंतजाम किया है। इस जब आप दर्शक पन्ना से महेंद्र प्रताप जी सारा सवाल करें जी, भाई साहब सरबारी नमस्कार जी, नमस्कार, मैं बजाज जी से ये बात करना चाह रहा था, निवेदन करना चाह रहा था जी, बीजेपी के लोगों को कौन सा विद्यालय मिला झूठ बोलने का, सभा झूठ के और कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ भी होता है विपक्ष जिम्मेवार, विपक्ष जिम्मेवार, भाई अपनी गलती को गलती नहीं मानते, विपक्ष की जिम्मेदारी लाद देते हैं। नहीं नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हम कर्नाटक में, फिर क्या कर रहे हैं, कर्नाटक में अगर 35 जगह छापे पड़ते हैं हाँ। और बड़ी मात्रा में कैश पाया जाता है हाँ। तो वो बात कही गई है, अगर बाजार से 2000 के नोट बैंक में नहीं आ रहे हैं, बाजार में रुक गए, लोगों के घरों में रुक गए, आपके घरों में रुक गए, उस बात से कहा जा रहा है कि ये साजिशन हो सकता है। ये आपको पहले सोचना था कि 2000 के नोट बाजार में उतारे या नहीं उतारे, आप तो काला धन रोकने की बात कर रहे थे, 1000 की जगह 2000 तो रुकेंगे ही, ये तो आपका कहीं प्रबंधन है ना। उस वक्त हमने डिमोनेटाइजेशन की पहल की थी सरकार ने, उस वक्त करेंसी रिप्लेसमेंट तेजी से करना था, इसलिए त्रिपाठी जी 2000 रुपए के नोट उतारे गए, 2000 के नोटों की प्रिंटिंग भी इसलिए रोकी गई, 200 रुपए का नया नोट लाया गया। अब एक फैक्टर आप जो कह रहे हैं एटीएम से, दिक्कत ये आ गई कि बहुत सारे एटीएम में अभी 200 रुपए के नोट के टेलर का स्लॉट नहीं है, तो बहुत से एटीएम्स में 200 रुपए के नोट निकल नहीं सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीएस की व्यवस्था उपयोग कर रहे हैं सरकार। तपेश चंद जी, विकास जी जो कह रहे हैं, हालांकि इसके पहले आपने देखा नहीं सुना नहीं, मुख्यमंत्री जी हमारे सिराज जी ने यह भी कहा कि विपक्ष की ये बहुत बड़ी साजिश है कि एटीएम में बैंक में एटीएम में कहीं पैसा नहीं है, साजिश नहीं कहा। विकास जी कह रहे हैं कि कर्नाटक में छापा में हमें लगता है 1 लाख 10 लाख थे, 1-2 करोड़ पकड़ा गया होगा, जहां 16,000 करोड़ से ज्यादा नगद चलन में हो जिस देश में, वहां इस तरह से एटीएम सूखे हो जाएं, इसको आप किस रूप में लेते, क्या है आखिर वास्तविकता क्या है, आप अर्थशास्त्री आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए मैं अभी तक के जो थोड़ी बहुत चर्चाएं सुना जी, मैंने ये चीज पाया कि हर मामलों में सरकार को दोषी मानना गलत है जी। देखिए बैंक में जितने भी एटीएम चल रहे हैं सब ठेके पे चल रहे हैं जी, और सभी उन्होंने एक एजेंसी को दे के रखा है जो कि वो अमाउंट को फिलअप करते हैं जी। अब ये राशि वो कैसे व्यवस्था करते हैं और किस रूप में सप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको डे टू डे भरने की बात है जी। और 2000 का नोट प्रचलन में नहीं है या ये कहा जाए कि काले धन के रूप में संचित करके रखा गया है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं भी बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहा हूं जी। मैं देख रहा हूं कि मुझे बैंक से 2000 का नोट मिल रहे हैं जी। और 2000 का नोट जो आम जनता ने रिफ्यूज किया है, कारण उसका यह है कि जब हम 2000 रुपए देते हैं, मेरे साथ भी कई बार पेट्रोल पंप पे और किराने दुकान में तकलीफ आई, मैं 500 रुपए देने के लिए अगर पेट्रोल भरवाता हूं तो वो 1500 रुपए देने में आनाकानी करता है जी। क्योंकि वो एक बड़ी राशि हो जाती है जिसके छुट्टे मिलना, जिसकी कटौती मिलने में तकलीफ होती है जी। अब जहां तक बात है कि एटीएम में पैसा कम होने की, तो संबंधित एजेंसी जिसको ठेके पर दिया गया है, जो एटीएम में पैसा इंस्टॉल करते हैं, ये इनके ऊपर प्रेशर बढ़ाने की बात है। और बैंकिंग प्रणाली निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री जी ने जब नोटबंदी किया तो जिस विश्वास के साथ बैंक वालों को धन्यवाद दिया था,
वैसा बैंक वालों ने काम नहीं किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को विश्वास में लेने के बाद सर्विस चार्जेस और जो सुविधाओं के नाम पर जो भाड़ा वसूलना शुरू किया है वो सर्वथा अनुचित है। जनता का उसके प्रति भी विश्वास है कि ये कम होगा। और दूसरी चीज ये कि प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन की अपेक्षा किए थे वैसी अपेक्षा सफल नहीं हुई। हमारे देश के नागरिक जिस प्रकार से सफल होते, शैक्षणिक होते, कार्यों को निपटाते, तो छोटी बड़ी राशि सभी के लिए उन्होंने आज भी नकदी व्यवहार रखा है। अब जहां तक बैंक वालों के साथ साथ चिकित्सा और अन्य केंद्रों के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है वो भी अनुचित है। एक लाख से ऊपर कोई भी पेमेंट लेने के लिए अगर पेशेंट बीमार है तो वहां पे बाहर से आया हुआ व्यक्ति नकद कहां से देगा? अगर नकद नहीं है तो बैंक से कहां व्यवस्था करेगा? ये सब बातें आ रही है। तो थोड़ा सा धीरज रख के गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इस मामले में लिबरल होने की जरूरत होगी, तभी ये थोड़ा सा सफल होगा। नोट कमी होने के पीछे ना सरकार जिम्मेदार है इसके लिए, सिर्फ जिम्मेदार मैं बैंक जिसको ठेके दिए हैं उन ठेकेदारों को दोषी मानता हूं। वो उतने एक मिनट मेरा सवाल है, आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है कि सरकार जिम्मेवार है कि ठेकेदार जिम्मेवार है? आम जनता नोटबंदी के दौरान दो महीने भटकती रही, एक मिनट मेरा सवाल। और दूसरा, इस समय आम जनता ये आप और शास्त्री आप बता सकते हैं आखिर ठेका किसने दिया है? सरकार क्यों होती है? सरकार व्यवस्था के लिए होती है, आम जनता की सुविधा की व्यवस्था के लिए। और ये अगर ठेकेदार कर रहे हैं कि समय, अरे उन ठेकेदारों के पास नोट है क्या? इस तरफ भी तो जाइए जो वो फिलअप करें एटीएम में जा करके। नहीं देखिए, आप स्टॉक के सिस्टम को समझिए थोड़ा सा। उनको जितना बैंक में सप्लाई करना चाहिए था उनको उतना रिजर्व करना चाहिए था, वो उतना रिजर्व ही नहीं किए, और यही कारण है कि आज बैंक के सामने ये समस्या आ रही है और आम जनता उसे परेशान हो रही है। इस व्यवस्था को हमको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, बैंकों को आवश्यक निर्देश देने की आवश्यकता है। बैंक में जा रहे हैं तो लाइन लग रहा है क्योंकि अब बैंक में लाइन लग गई कि एटीएम में पैसा नहीं मिल रहा है, तो पर बैंक पूरे पैसे की पूर्ति कर रही है, तो वो एजेंसी जिसने बड़े पैमाने पर ये ठेका लिया उसको आपूर्ति करने में क्या तकलीफ थी? बैंक में पर्याप्त पैसा रखे हुए हैं, बैंक से आप निकाल लीजिए काउंटर से आप जितना चाहते हैं। पर ये जो ठेकेदार जो ठेका लिया है उसके लापरवाही किसको दिया है? आखिर बैंक भी तो वित्त विभाग के अधीनस्थ आते हैं ना। देखिए ये थोड़ा सा मैं कर दूं, बैंकिंग व्यवस्था सीधे वित्त विभाग के निर्देश में नहीं आती, आरबीआई भी सीधे उसके नियंत्रण में नहीं आती। ये व्यवस्था जरूर मैं कहूंगा कि थोड़ी सी बैंकिंग व्यवस्था जो है हमारी लड़खड़ाई है, हमने जो विश्वास किया था वैसे विश्वास वो खड़े नहीं उतरे और उन्होंने लापरवाही की है, इसके लिए थोड़ा सख्त करना आवश्यकता है। और आम जनता के साथ साथ शासन को भी चाहिए कि बैंकिंग प्रणाली पर सख्त निगरानी रखे, उसे स्वायत्तता देना कम करे। बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे। विकास जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे थे, एक चंद्रप्रकाश जी है। विकास जी, चंद्रप्रकाश जी हरियाणा से, उनका सवाल ले लेता हूँ। चंद्रप्रकाश जी सारा सवाल करें। नमस्ते त्रिपाठी जी। जी नमस्कार। मैं कहता हूँ कि कैश की इनकमिंग और आउटगोइंग के बीच में प्रबंधन का होना बहुत जरूरी है। छोटी सी बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा। 16 नवंबर 2016 को मेरे बेटे का विवाह था जी, और उस समय 8 नवंबर को ये नोटबंदी हुई थी जी। मैंने प्रबंधन के हिसाब से बच्चे के दोस्तों को कहा, उन्होंने कम से कम ही तो 10 लाख रुपए मुझे घर पे ला करके दे दिए। ये व्यवस्था आपको खुद को करनी होती है, सरकार की कमी रही है मैं मानता हूँ, परंतु आप भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें। जहाँ अगर चेक की आवश्यकता है तो आप चेक दीजिए। मैंने जब टेंट हाउस वालों ने पैसे मांगे मैंने चेक पकड़ा दिया, क्रॉकरी वाले ने कहा, कैटरिंग वाले ने कहा, मैंने चंद्रप्रकाश जी आप कर सकते हैं, आप सक्षम है। आप जरा उस जगह पे जाइए, आपके भी बच्चे होंगे पोते होंगे जो कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, जिनके एटीएम में मात्र 2000 है, डेली हर दूसरे दिन 100 रुपए निकाल के एक टाइम खाना खाते हैं और कॉलेज जाते हैं पढ़ते हैं, उनको एटीएम में 100 रुपए निकालने को नहीं मिल रहा है। जरा उस तरफ भी सोचिए, जरा उस तरफ भी सोचिए। जो मजदूर अगर 2000 उसकी 3000 महीने भर की कमाई है तो वो इसलिए एटीएम में रखता है कि अपने पास रखेंगे तो खर्च हो जाएगा, इसलिए 200-300 रुपए निकाल के डेली का आटा और ये सब लाता है, वो चेक नहीं देगा। चंद्रप्रकाश जी, ये जो आप बोल रहे हैं, जो हम हैं, ये मुश्किल से 10-15% लोग हैं क्रिमिनल, आज भी 70% लोग ऐसे हैं जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं।
जी विकास जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो तपेश जी बात कह रहे थे, मैं उसके नजदीक बात करना चाहता हूँ। देखिए, आपने एक बात पूछा, क्या इकोनॉमिकल कोई क्वेश्चन खड़ा हो रहा है? तपेश जी ने भी बोला कि इकोनॉमी से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न नहीं है हमारा, क्या कैश टू जीडीपी रेशियो होना चाहिए, वो हमने कुछ जरूर कम किया है। लेकिन आप जो डिमोनेटाइजेशन, त्रिपाठी जी, एक बार 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 श्रीवास्तव जी ने जो बात को जोड़ा डिमोनेटाइजेशन के वक्त से जोड़ा, साहब उस वक्त नकदी कितनी थी टोटल हिंदुस्तान में? 17.5 लाख करोड़। आज कितनी है? 18.5 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ रुपया कैश ज्यादा हिंदुस्तान में, तो डिमोनेटाइजेशन से कृपया मत जोड़िए। नहीं तो फिर भी अब आपने बोला ना एटीएम से, देखिए संकट कहां से चालू हुआ? ये एटीएम के टेलर पे पैसा मिल रहा है कि नहीं, वहां से चालू हुआ? तपेश जी उसे टच कर रहे थे, आपने पूरा शायद कहने नहीं दिया। असल में होता है, तपेश जी को पूरा कहने दिए, आपके थोड़ा फेवर में बात आ रही है। फेवर में नहीं, मैं उसे एक सामान्य रूप में रख रहा हूँ, एक अर्थशास्त्री की बात को। बात क्या हुई? देखिए 2000 के नोटों की कमी आ गई, 2000 के नोट बैंक में आना कम हो गए, तो वो एटीएम के मशीन में भी पोस्ट होना कम हो गए। अब जैसे किसी व्यक्ति ने 25,000 रुपए निकालना है, पहले 2000 के उसे 10 से 12 नोट मिल जाते थे, 2000 के नोट से पेमेंट हो जाती थी। अब जब मान लीजिए ऐसा हो गया कि 2000 का नोट कम अंदर रखा जा रहा है मशीन में और बाहर भी नहीं निकल रहा, हो क्या रहा है? किसी ने 25,000 रुपए निकालने के लिए एटीएम दबाया, अरे तो ये प्रबंधन का दोष है कि नहीं है? 200 से 250 नोट। अब आप देखिए, ये मत गिनाइए प्रबंधन का दोष है कि नहीं है, वो यही बात नहीं है। प्रबंधन, बैंकिंग प्रबंधन का दोष आया है। जो हमारा जो एटीएम के वेंडर्स थे, अब मान लीजिए किसी नगर पंचायत क्षेत्र में अगर एक एटीएम है, वर्तमान में होता क्या है, हफ्ते में वो वेंडर 2 बार जाके एटीएम को भर रहा था, वो डिमांड के हिसाब से था। अब डिमांड एकदम से ज्यादा हो गई, अब डिमांड एकदम से ज्यादा हो गई, वेंडर फेल हो गया। डिमांड क्यों ज्यादा हो गई? ये इसके कई पहलू हैं। इसका पहलू एक नंबर एक तो ये रहा कि इस वक्त में शादियों के कारण, फसल के कारण डिमांड, अरे शादी पहले भी होती रही है। सर मैं निवेदन यही तो कर रहा हूँ कि अगर एक एक सॉल्ट की बोरी, नमक की बोरी 250 रुपए इस हिंदुस्तान में कैसे बिक गई ज्यादा में, कैसे बिक गई ज्यादा? सबके लिए उसी का कुछ, उसी का विपक्ष दोषी है। नहीं, उसी, अभी विपक्ष की बात नहीं कर रहा, अभी मैं आपको क्या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पे बात कर रहा हूँ। विपक्ष की बात मैं कर चुका, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पे भी बात कर रहा हूँ। जब एक बार खबर चली कि एटीएम खाली है, तपेश जी ने क्या कही? तपेश जी ने ये बात कही कि बैंक्स के टेलर पे पैसा था, वहां से पेमेंट हो रहा था, एटीएम में दिक्कत आना चालू। अरे भाई, जिस एजेंसी, एजेंसी किसको, कौन सी एजेंसी? आप ही देते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी एजेंसी की गलती हो, निवेदन कहीं सरकार से है कि नहीं है? जो वेंडर थे उनके फेलियर के साथ में प्रॉब्लम चली। अच्छा, सरकार या आरबीआई? सरकार तो डाल दी विकास जी, विकास जी, आरबीआई के चेस्ट में उसका गल नहीं है विकास जी। आप पूछेंगे विकास जी, बात होनी श्रीवास्तव जी आपकी टिप्पणी, अब आप सही बात को, श्रीवास्तव जी आपकी टिप्पणी चाहिए, आपका क्या कहना है? श्रीवास्तव जी आपकी टिप्पणी चाहिए, एक दर्शक है हमारे साथ, बिलासपुर से है जावेद खान जी, सारे सवाल करें। जावेद जी मेरी आवाज सुन पा रहे? सवाल करें मेरे ऊपर जी। जावेद जी, हाँ सर, मैं बीजेपी के विकास जी से मैं पूछना चाह रहा था कि जब जिस समय 2000 के नोट हमारे यहाँ प्रिंट हुई थी, उस समय बताया गया था कि नोट में चिप लगी हुई है करके जी। तो अभी जैसे 2000 के नोट मार्केट से गायब है, तो उस चिप के माध्यम से तो पता कर सकते हैं? कोई चिप नहीं, खंडन तब भी किया गया था। मैं यही तो कह रहा हूँ, ऐसी अफवाहें, तब चिपकी भी चली थी, वो भी बोली 250 रुपए भी कांग्रेसियों की कर दिया। जी श्रीवास्तव जी, आपकी टिप्पणी चाहिए। पूरी बात सुन रहा था, सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री है तपेश जी। जी, बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार दोषी नहीं है, वेंडर दोषी है। पहली बात, एक अर्थशास्त्री है आप, वेंडर दोषी है या कौन दोषी है ये देखना किसका काम है? सरकार का काम है। आप कभी ये कह के नहीं बच सकते कि वो ठेकेदार ने नहीं पहुंचाया, वेंडर ने नहीं पहुंचाया, या बैंक का कुप्रबंधन है तो उसके लिए जो सरकार दोषी नहीं है, इन सारी चीजों के लिए दोषी सरकार है। क्या आप जो, क्या अगर एटीएम से पैसा नहीं गया, क्या देश की जनता दोषी है? देश की जनता दोषी थोड़ा ही है, वो तो चाहती है कि सरकार ऐसी चले जिससे उसको सुविधा मिले। देखिए एक बात, दूसरी बात आप समझिए, मैं विकास जी को बात जाता हूँ। विकास जी का ये कहना है
कि ये जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम, बैंकिंग व्यवस्था, तमाम चीजें इसके लिए आरबीआई, ये जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र तो इस देश में कोई नहीं है। आप जब अचानक नोटबंदी करते हैं, आप एक फरमान जारी करते हैं तो सबको डायरेक्शन देते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप एक कोई उसको स्वतंत्र घोषित कर दिए जी। और सारा का सारा दोष सिर्फ बैंकों पर क्यों डाला जाए? दोष तो सरकार का है, सरकार ने ये नियम लागू किया। 2000 के नोट जारी करते समय क्या सरकार ने कभी सोचा था कि ये जो ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाएगा? जब 1000 और 500 का नोट ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो सकता है तो 2000 का क्यों नहीं हो सकता है? आप बताइए, आप सबसे पहले 2000 के नोट सबसे ज्यादा जारी किए, मार्केट में चलन में जाने के बाद 2000 का नोट कोई दुकानदार लेने को खाली नहीं था, तो धीरे धीरे तो कहीं कहीं जमा होंगे। और आप इसके लिए किसी को दोष देने, विपक्ष दोषी है या पक्ष दोषी है, नोट तो सबके पास है, पक्ष के पास भी है, विपक्ष के पास है, लोग रोज चलन में जाते हैं, अपना खर्चा करते हैं, निकालते हैं। तो अब ये धीरे धीरे जो 1000 का नोट चलन से बाहर हुआ, मतलब जमाखोरी में गया होगा, तो 2000 का चला गया होगा, आप 2000 का नोट क्यों नहीं निकलना है? इसकी जो छानबीन कौन करेगा? इसका जिम्मा किसका है? मेरा ये कहना है। फिर इसके बाद 500 का नोट आया, अब बात हो रही है कि 200 के चलन में जारी कर। आप ये बताइए, अभी आपने एक ये बताया कि एक जो है सरकार जिस तरह का जो सिस्टम लाने जा रही है, पहले 1 रुपए 2 रुपए का नोट चलन में सरकार जारी कर देती थी, जिसका वादा सरकार आरबीआई नहीं करता था। आज की डेट में है, जब जो है बाकी के लिए धारक से वादा करती थी सरकार आरबीआई की, ये इतना रुपए हम देंगे इसके एवज में, उसका एक रिजर्व फंड होता था। लेकिन आप ये बताइए, जब इस तरह की व्यवस्था सरकार लाएगी तो जनता को सरकार पर कैसे भरोसा होगा? उसका पैसा सुरक्षित है, इसको कौन तय करेगा? इसको तो भरोसे में सरकार को ही लेना पड़ेगा ना, जनता को। और प्रधानमंत्री जो है जी, प्रधानमंत्री जी को खुद इन मामले में इंटरफेयर करना चाहिए। जैसे नोटबंदी के मामले में इस तरह की किल्लत आती है तो उनको सामने आकर बयान देना चाहिए। किसी विपक्ष के ऊपर या किसी सत्ता पर किसी के ऊपर अगर थोपने से कोई समस्या का समाधान होता हो तो हमको लगता है सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, तपेश जी क्या कहना चाह रहे थे? श्रीवास्तव जी ने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं और इसमें कुल मिला के कह रहे थे जी, वो पूरी बातें जी, पूरी बातें जो है वो बैंकिंग व्यवस्था को लेके कह रहे हैं जी। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं जो मुद्रा नीति जो सरकार की है उससे बात कर रहे हैं जी। आज विषय सिर्फ एटीएम में पैसा कम निकलने की बारी बात है, ये भी कहा उन्होंने कि इसमें दोष किसका है? सरकार का ही है ना, दोष तो सरकार का ही है ना, जनता को नहीं मालूम। सुनिए आप इसको, नहीं नहीं सुनिए, मैं आपको बताऊं, वेंडर जो है बैंक का होता है और वेंडर अगर अचानक ऐसी गलती कर ले, सरकार ने तो हेलमेट पहनने के लिए सबको कहा, उसके लिए आप लगाने भी शुरू किया, सरचार्जेस और उसके दंड होकर कई प्रावधान किया, पर है क्या? आज जन लगाते हैं तब भी मीडिया खड़े हो जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर आते हैं, तो ये सब चीजें हैं। पूरे 8-10 राज्यों में एक साथ, तपेश चंद जी, पूरे 8-10 राज्यों में एक साथ वेंडर खराब हो गए, हजारों वेंडर हैं, एक साथ सारे वेंडर कर गए। नहीं, आज मीडिया पर सवाल, मीडिया का काम क्या है? व्यवस्थाओं का पालन करना और व्यवस्थाओं को लागू करना, ये लागू तो थी व्यवस्था, अगर कोई एक तरफा भंग कर रहा है तो ये स्थिति पैदा होती ही है। और इसको शट डाउन होने में, इस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए हमको 4 से 5 दिन का समय लगेगा। और ये मैं मान, सुपेश जी पिछले 10 सालों से 15 साल से एटीएम है, ये व्यवस्था कभी नहीं खराब दिखी, पहली बार ही दिखी है। और मीडिया का ये काम ही है कि अगर व्यवस्था खराब है तो मीडिया दिखाएगा, बताएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज देखिए, समाजवादी व्यवस्था में हम प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं, जब तक वो चौथा स्तंभ जागृत होकर आम जनता का सरकार के कान तक नहीं पहुंचाएगा तब तक उसकी भूमिका पूर्ण नहीं होती। पर बात यह है कि आज हम इस प्रोपोगंडा को, इस माइको को अगर उठा के वेंडर की ओर डाइवर्ट कर, तपेश चंद जी इसको आप प्रोपोगंडा कह रहे हैं? आज यहाँ आप जाइए वहाँ, अरे तपेश चंद जी उसके पास जाइए जिसके पास इलाज के लिए दवाई खरीदने के लिए 500 रुपए नहीं है, एटीएम में इधर से उधर घूम रहा है। हाँ मैं सहमत हूँ, ये मैं परेशानी को मैं महसूस कर रहा हूँ। आप, मैं तो गांव के, हमारे यहाँ जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी स्थिति मैं जान रहा हूँ, मैं पूरी चीजों को देख के कह रहा हूँ। तो उसके बाद आप बोल रहे हो सरकार दोषी नहीं है? एटीएम से पैसा नहीं निकलने से इससे मैं इनकार नहीं करता जी, मैं इससे इनकार नहीं करता, पर मेरा कहना यह है कि इतने नियम और इतने संविधान बने हैं, हर कोई उस नियम को तोड़ने में लगा है। देश के नागरिक का भी तो कर्तव्य है कि वो अपनी जिम्मेदारी को, अपने वादाओं को, अपने व्यापार के
शर्तों को लागू करें। देश का नागरिक का कर्तव्य नहीं है जो अपना पैसा ले ले। ऐसा क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे अपना पैसा लेने जा रहा देश का नागरिक, उसका यहाँ कर्तव्य कहाँ बिगड़ गया? बिल्कुल है। अरे यहाँ कर्तव्य कहाँ बिगड़ गया? यदि अगर आप और हम, सुनिए सर, आप और हम नागरिक है और यदि अगर हम ही अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा? हम पैसा निकालना बंद कर दो। सुनिए सुनिए, जिस दिन वो नहीं कर रहा है तपेश चंद जी, जिस दिन सारे नागरिक देश के 25 अरब लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करने लगेंगे तो इस सरकार की भी जरूरत नहीं है, न पुलिस की जरूरत है, न सरकार की जरूरत है, न कानून की जरूरत है। इस सरकार की क्या, इसी सरकार की नहीं, सरकार सुधर जाएगी सभी, चाहे वो कोई भी सरकार रहे। अरे सरकार की जरूरत नहीं है, लापरवाही करते हैं वो स्वचेतना से कार्य करने लगेंगे। अभी तो इस पे बात करिए, इस पे बताइए कि आखिर ये दिक्कत क्यों हुई? आम जनता, रायपुर में भी आपके हजारों स्टूडेंट पढ़ते होंगे जिनके पास 2000-4000 का पैसा होगा पर डे, या दूसरे भी 100-200 निकालते हैं, आप उनकी तरफ जरा एक बार झांक के देखिए, उनको नहीं मालूम, एक साथ सारे टेंडर वेंडर एक साथ स्ट्राइक पे चले जाते हैं। पूरे देश के 8 राज्यों में मध्य प्रदेश बीजेपी की जहां सरकार है वहां स्थिति है। नहीं नहीं सुनिए, वो मैं सरकार के आधार पर अध्ययन तो नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊं, मैंने छात्रों के साथ आज ही मिला, पूछा, बात किया तो लड़के लोग बोले सर हम पेटीएम लेके बैंक से अकाउंट ट्रांसफर करवा के हम पेमेंट ले रहे हैं और हम चाय वालों भी एटीएम के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, पेटीएम के माध्यम से, और हम कार्य चला रहे हैं। अब ये व्यवस्था लागू हुई, बात जहां तक विकास जी कह रहे थे, मैं इसे 10% बात तो मैं सच ये मानता हूं कि अचानक मुद्रा की मांग बढ़ी है, निश्चित तौर पे बढ़ी है, चाहे आप इसे माने या ना माने, राजनीतिक रूप दें या ना दें, अभी शादी ब्याह और ये सब 40,000 करोड़ का भी प्रभाव पड़ा है और हर कोई एटीएम के दौड़े हैं। देखिए ऐसे तो औसत निकाल के देखिए, ऐसे तो गणेश जी बोले दूध पीने लगे तो लोग, ये देखिए देश है, ये भारत देश है, विभिन्न धर्मों का यहाँ लोग निवास करते हैं, लोग उनका गणेश जी दूध पी रहे हैं, लोग गणेश जी दूध पिलाने चले गए, ये इस तरह का देश है और इसको संभालने की जिम्मेवारी जिसकी सरकार है उसकी है, व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी सरकार की है। हम वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये हो क्या गया, पिछले 20-25 दिन से छोटे छोटे शहरों में एटीएम में पैसे नहीं है, 25 दिन भी सरकार नहीं जागी, वेंडरों को उन्होंने सावधान नहीं किया, वेंडरों से उन्होंने सवाल जवाब नहीं किया, आखिर वेंडरों जो वेंडर्स हैं उनको कांटेक्ट कौन देता है, वही बैंक देती है। जी विकास जी कुछ कह रहे थे लेकिन संजय जी कुछ, आप पहले संजय जी आप। मेरा यह निवेदन है कि बहुत गंभीर मुद्दा है जी, और देश में जो है कैशलेस इंडिया की बात करी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और आपने देखा होगा कि आज 18 महीने हो गए नोटबंदी को जी, और उसके बाद भी वो व्यवस्थाएं सुधर नहीं पाई, वो लगातार गिरती चली गई। आज यूको बैंक जैसे बहुत बड़े बैंक जो हैं वो नेगेटिव में उनके आंकड़े पहुंच गए हैं, वो बंद होने के कागार पे आ गए हैं, कई बैंक हैं इस देश में जो बंद होने के कागार पे हैं। तो ये जो है स्थिति जो पूरी की पूरी आई है, और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है कि जो सरकार का समय समय पे जो एफआरडीआई जो, देखिए मेरे को बताने, क्या वो बताने दीजिए, देखिए अभी तो वित्त मंत्रालय के, मैं बोंदिया जी शायद वित्त मंत्रालय के जो सलाहकार हैं, प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं, उनसे ज्यादा इनको ज्ञान है ना, संजीव सान्याल जी, उन्होंने आज तक पे एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इसका कारण यह है कि जो 90% राशि है वो 500 और 2000 के नोट की है, जो आज प्रचलन में जो मुद्रा है वो 500 और 2000 के 90% राशि है, और उसके बाद में जो है ये जो 2000 के नोट थे ये पिछले 3 महीने से जो है छपने बंद हो गए देश में। ये सब जो है आर्थिक विशेषज्ञ जो सरकार के हैं वो बता रहे हैं कि साहब ये कारण है, और इस कारण से वो जो है 2000 के नोट क्या 90% से ज्यादा में छोटे नोट देश में ज्यादा होने से बंद किया 2000, आपने बंद कर दिया, मान रहे हैं आप कि आपने बंद कर दिया है तो, लेकिन छोटे नोट भी तो प्रचलन में आने चाहिए। आज 100 रुपए और 200 रुपए के नोट केवल 10% एटीएम जो है वो 200 रुपए के नोट का ट्रांजेक्शन वहां से हो सकता है। देश में 2 लाख एटीएम है, ये किसकी जवाबदेही थी? देखिए अगर वित्त मंत्रालय चाहता तो बैंकों के साथ समन्वय करके और इसमें जो है कोई हल निकाला जा सकता था, लेकिन देश का वित्त मंत्रालय सो रहा है, देश का वित्त मंत्री सो रहा है, और देश का प्रधानमंत्री कैशलेस इंडिया की बात कर रहे हैं, और उसके बाद जो है देश में नीरव मोदी और मेहुल चौकसे भाई जो जिनको भाई बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, वो पैसा लेके भाग जा रहे हैं।
तो ये सब कहीं ना कहीं इन सब चीजों को जो है जब एक साथ देखा जाएगा तो आज जो है जो आर्थिक संकट देश में उत्पन्न हो गया है और आज के जो हालात हैं, ये नोटबंदी में जिस तरह से 8 नवंबर के बाद जो हालात एक महीने दो महीने तक रहे थे वही हालात आज भी हो गए और देश में जो जो 90% जो लोग हैं सर वो जो है कैश में ट्रांजेक्शन करने में आज भी विश्वास रखते हैं और सरकार जो है वो बोल रही है कैशलेस होना चाहिए। तो सरकार को ये प्रबंध रखना चाहिए था कि अगर हम कैशलेस बनाना जा रहे हैं तो उनको ये 18 महीने के अंदर सरकार ने कौन सा बड़ा कदम उठाया। आज जीएसटी है, आज जो है नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन है, इन सब चीजों से वो आम आदमी जो 70% जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है इस देश में जो निवास कर रही है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। जो मजदूर वर्ग है आज छोटा नोट जो है 100 रुपए और 200 रुपए का नोट नहीं मिल रहा उसको और वो जो है आप 1000 रुपए और 500 रुपए जितनी उसकी आमदनी नहीं है उतने के नोट मार्केट में प्रचलन में कर दिए और वो भी सब दर्शक है उत्तराखंड से मुन्ना धामोद जी सवाल सवाल करें। जी सर मैं यहाँ आपका नमस्कार है सर आपको पहले तो कहाँ से बोल रहे हैं आप? जिला पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। जी थोड़ा तेज बोलिए आवाज कम आ रही। मैं जिला पिथौरागढ़ से बोल रहा हूँ उत्तराखंड से सर। जी सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को मान लेने चाहिए जो इनका जो वित्तीय प्रबंधन जो फेल हुआ है इसको तो एक्सेप्ट करने के लिए सर आज पिथौरागढ़ जैसा जिला है पूरा ग्रामीण ये ग्रामीण जिला माना जाता है पिथौरागढ़ यहाँ भी कैश की पूरी तरीके से दिल्ली है यहाँ पर तो मैं ये पूछना चाहता हूँ एक दर्शक के तौर पर क्या ये अगर आज गलती मार भी लेते हैं तो क्या इन लोगों के इन लोगों का जो कृत्य है ये धुल जाएगा क्या सर? जी अंतिम क्या सवाल था अगर जी मैं कह रहा था कहना चाह रहा हूँ सर जी तो इनका ये जो आज जो ये जो कैश की समस्या है ये पूरी तरीके से सरकार की कमी के कारण काम दर्शक विकास जी हम नहीं बोल रहे भाई नहीं दर्शक जी मैं आप इसकी बात से सहमत हूँ कि सरकार हर काम के लिए अंतोगत्वा जिम्मेदार है। हाँ, बस नहीं इस बात लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इस बात की विवेचना करना है क्या कि हमारा बॉटल नेक कहाँ पे हो गया कहाँ हम ट्रबल में फंस गए इसकी विवेचना करना है कि नहीं करना। इस विषय में मैंने रखा बात को कि बैंकिंग सेक्टर इंडिपेंडेंटली डे टू डे का काम करता है आरबीआई उसको गवर्न करता है सीधा सीधा। अरे वो सरकार कौन क्या करता है ये मत बताइए सिर्फ सरकार आप में क्या जैसा संजय जी ने कहा कि सरकार ने शाम को 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नोटबंदी की घोषणा करते हैं रात में 12 बजे जो है आरबीआई का ऑर्डर निकलता है तो आरबीआई क्या इंडिपेंडेंट काम कर रही है इस देश में? इस सरकार के अंतर्गत जो है आज जो भी संस्थाएं हैं जो वित्तीय संस्थाएं या दूसरी जो ऑटोनॉमस संस्थाएं हैं वो कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर रही है। जब देश का प्रधानमंत्री 8 बजे जो है आरबीआई के जो अधिकार थे उस अधिकार को जो है 8 बजे शाम को ले लेता है और रात में 12 बजे आरबीआई जो है उस पर सर्कुलर जारी करती है नोटबंदी के ऊपर तो ये देखा जा रहा है। देखिए कोई स्टोरी क्या है 61,000 करोड़ के बैंक घोटाले हुए हैं जब से नरेंद्र मोदी अब आप बैंक घोटाले पे इससे वो जो है क्या हो गया को देखिए आप जो है कैश फ्लो बंद करना चाहते हैं आप ये चाहते हैं कि देश का जो नागरिक है वो अपने पैसे बैंकों में जमा कर दे और जमा करने के बाद वो जब चाहे तो निकाल नहीं सके जब निकालेगा नहीं बैंक की स्थितियां जो है बनी रहेगी बस लेके पीछे एक ही कारण है उसके अलावा कोई कारण नहीं है। डिपॉजिट जब लग अरे सर डिपॉजिट तो बैंक के पास में लगभग 1105 लाख करोड़ के नकदी तो हमारे देश में 18.5 लाख करोड़ ही है। अब आप एक बात बताइए त्रिपाठी जी अगर विड्रॉवल कैसे असेस किया जाता है कि करेंसी की जरूरत कितनी पड़ेगी मार्केट में एक ये पिछले विड्रॉवल होने लग जाए बढ़ जाए तो यकीनन दिक्कत है। आप इतना बताइए परेशानी क्यों हुई? हाँ मैं आपको यही कह रहा हूँ हमें ये खोजना चाहिए राजनीतिक आरोप तो संजय जी लगा सकते हैं राजनीतिक होता है सलाहकार जो बोल रहा है मैंने उसको भी कोट किया है क्या बोला उसका मुख्य आप बताइए क्या बोला उसने तीन चीजें बोली है शॉर्ट में बताइए मैं उसका जवाब बता रहा हूँ वास्तव में आपने बोला है कि 2000 के नोट जो है वो छपना बंद हो गए पिछले 3 महीने से इसलिए दूसरी बात देश में 2 लाख ATM है जिसमें से केवल 10% ATM मशीनों में 200 के नोट की व्यवस्था हो पाई है
और उसके अलावा जो है ये जो पूरी जो समस्या जो उत्पन्न हुई है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। हाँ, तो ये जो परिचालन की दिक्कत है, ये देखिए परिचालन, आप क्या बात कर रहे हैं, दो बात कर रहे हैं, एक है अर्थव्यवस्था, एक है बैंकिंग परिचालन। आप बताइए आप किस पे इशारा कर रहे हैं, बैंकों के ऊपर, अगर बैंकों पे, अगर बैंकिंग परिचालन या अर्थव्यवस्था दो चीजें अलग है या नहीं है, दो चीजें अलग है या नहीं है। 15 दिन हो गए देश के वित्त मंत्री ने कोई बयान दिया, ठीक है आज वो बीमार है, लेकिन उसके बाद बड़ी जो है देवता सरकार की तरफ से बयान आया, कहा कि तीन दिन वित्त राज्य मंत्री को बयान दे रहे हैं बीमार है, तो वित्त राज्य मंत्री शुक्ला जी ने कहा, शुक्ला जी ने कहा, त्रिपाठी जी जिम्मेदारी से कहा कि हमारे आरबीआई चेस में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया नकदी में है, जिसको हम आरबीआई की परमिशन से अलग अलग जहां जहां कमी है वहां वहां करेंसी को पहुंचा राज्य, और आज शासन आठ राज्यों में है। आज 80% एटीएम प्रॉपरली काम कर रहे हैं, बैंकिंग उपलब्ध है, बैंक पैसा उपलब्ध है, पीओएस मशीन। आप भी बता दीजिए, मैं आपको गिना देता हूँ कि कहाँ कहाँ के बंद पड़े हैं, आप बता दीजिए कहाँ कहाँ चालू है। नहीं, फिगर्स आने लगे हैं, बैंक के फिगर्स आ रहे हैं, मैं आपको खुद अध्ययन करते नहीं है इतना कि 2,80,000 परेशान तो आप भी हो रहे हैं, पैसा नहीं निकल रहा विकास जी, वो बात मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, हमें जो भविष्य, हमें जो भविष्य में योजना बनाना है, क्या बनाना है, मशीन पे लोग पहुंचने लगे हैं, इसका मतलब पिछले 25 दिन से परेशानी चालू हो गई थी, तो हम हासिल करना चाह रहे हैं कि एटीएम के माध्यम से ट्रांजेक्शन बढ़े, वो बढ़वाई, वो इसका भी साक्ष्य है। ठीक है, हर पूर्ति में शायद, पूर्ति में शायद जब एकदम चलिए आप वही पहुंचे तब हम थोड़ा सा। तपेश जी, ये व्यवस्था मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं ये पिछले 20 मार्च आज लगभग 20 तारीख एक महीने से छोटे शहरों में पहले कमी आई, फिर उसके बाद और जिले लेवल में कमी आई और ये राजधानी में पहुंची। एक महीने से अगर इनका वित्त विभाग या प्रबंधन इसको नहीं भाप पा रहा कि ये एक विकराल समस्या खड़ी होने जा रही है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में ठीक कर लेनी चाहिए और बढ़ती ही जा रही है, तो इसके लिए दोषी किसको मानेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि व्यवस्था में कम ज्यादा होते रहने की एक मनोवृत्ति रही। कई बार हमने बैंक में पाया है कि हमको एटीएम में पैसा नहीं मिल रहा है, हम बैंक से भी कई बार पैसा विड्रॉ करते तो बोलते नहीं सर इतना आप ट्रांसफर करके ले लीजिए, हम आपको कैश नहीं दे पाएंगे। एक व्यवस्था बनाई गई थी ताकि देश में नगदी व्यवहार के साथ साथ हमारा जो ट्रांसफर जो है कैश ट्रांसफर ना करके पेपर ट्रांसफर हो जाए या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो जाए, ये व्यवस्था हमने की थी। पर अचानक ये शटडाउन होने की किसी को कल्पना ही नहीं थी। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि हमने जो बैंकिंग व्यवस्था है, बैंकिंग प्रबंधन है, उसे बहुत ज्यादा विश्वास किया और वही सबसे ज्यादा असफल रहा। उन्होंने हमें ये छल पूर्वक धोखा दिया है और हमको सरकार को मिलकर सचेत होना पड़ेगा। देखिए, आज बैंक के पास इतना करेंसी और इतने डिपॉजिट्स हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको कम करना पड़ रहा है, उनको लोन देने के लिए व्यक्ति को मोटिवेट करना पड़ रहा है, हम ब्याज कम पे दे रहे हैं, पैसा पर्याप्त है, पर यह है कि उसकी आपूर्ति कर जो है वो पर्याप्त नहीं हो पा रही है, इस कारण ये अव्यवस्था जन्म ली है। निश्चित तौर पर अब इसे शासन को हस्तक्षेप करके सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता, छोटा बड़ा मजदूर जो है वो इससे परेशान हो रहा है। आज ये स्थिति है कि अब बड़े नोट को कम और छोटे नोट को ज्यादा बाजार में लाना पड़ेगा। आज 6 महीने से ऊपर हो रहे हैं 10 के नोट और 50 के नोट बाजार में आए हुए, पर आम जनता तक 10 का और 50 का और 20 का नोट नहीं पहुंच रहा है। ये कौन ब्लॉकेज कर रहा है? पहले ऐसे खुले पैसों के चिल्लर हो रही थी, 1 रुपए और 2 रुपए के नहीं मिल रहे थे, 10 रुपए के सिक्के को नकारा गया। ये जो मनोवृत्ति है बाजार में, इसके लिए अपने को चिंतन करने की आवश्यकता है कि वास्तव में हमारे बीच ऐसा कौन खोटा सिक्का है जो हमारे दूसरे नोटों को बीच रास्ते से ही गायब करने की कोशिश में लगा है। और निश्चित तौर पर इसे कुछ व्यापारी समुदाय के और कुछ बीच के मध्यस्थ लोग ऐसे छाप के रखे जनता जो है वो नोट के लिए भटक रहा है और देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाके बांसुरी बजा रहा है।
अरे देखिए अब जो है आज आज चौक चौराहे की जो है आपको आपात बैठक बुलानी चाहिए प्रधानमंत्री जी को जो मंदी हो रही है जो ये नोटबंदी हो रही है इसको कैसे सुधारा जाए। ये आर्थिक संकट जनता को नहीं महसूस होना चाहिए। अगर जनता अपने ही नोट अपने ही पैसे निकालने के लिए मजबूर हो जाए और तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए। संकट सरकार के लिए है आप प्रपोज कीजिए ना क्या करना चाहिए। अरे आपका आपका प्रबंधन अगर देश में जनता की समस्या आई है तो उसके समाधान की ओर हमें बढ़ना चाहिए। समाधान ना बढ़ना चाहिए राजनीति करना चाहिए। अरे बढ़ेंगे कौन समाधान बढ़ाएगा सरकार विपक्ष कोई ना करेगा। त्रिपाठी नारा तो भाजपा वाले खूब लगाते हैं कि प्रदेश में सरकार देश में सरकार नगर में सरकार सरकार आपकी है व्यवस्था आप नहीं करेंगे तो विपक्ष करेगा क्या। विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना सरकार है और जनता की आवाज है। रोज नई प्रॉब्लम आएगी रोज नए प्रॉब्लम पे वर्कआउट किया जाएगा। हर मामले में राजनीति ऐसा ही नहीं है। चल चल ठीक है समय समाप्त हो रहा है। श्रीवास्तव जी आपकी टिप्पणी चाहिए हमें। नहीं बिल्कुल देखिए तपेश जी ने बहुत सारी बातों को बताया जो काफी उस पर विचार करने की होते हैं। एक बात ये बताई हम ये मानते हैं कि नोटबंदी कब की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने करा कि नकदबंदी की घोषणा किसने करा। और एक मिनट अब नकदबंदी क्यों हो रही है ये सबसे बड़ा सवाल है। नोटबंदी तो चलो प्रधानमंत्री जी ने कर दिया अगर देश में नकदबंदी हो रही है और विपक्ष ने कर दिया वो विपक्ष ने ये तो बयान सत्ता पक्ष का ही है। मेरा ये कहना है कि ये व्यवस्था अगर आ रही है और आपने जिस समय ये प्रक्रिया शुरू किया तो आपको इस बात का अंदाजा लगना चाहिए कि आने वाले समय में क्या क्या परेशानी हो सकती है। लोगों को कैश की किल्लत हो सकती है या एटीएम में पैसे नहीं जा सकते हैं या बैंक जिम्मेदार है तो बैंक क्यों जिम्मेदार है। बैंकों में कसावट क्यों नहीं लाई गई आज तक उसमें कसावट लाना चाहिए था। और आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन जिम्मेदार है। आम जनता को परेशानी हो रही है देश में और मीडिया हो या कोई भी विपक्षी दल हो या सत्ता पक्ष हो सबको इनकी पीड़ा समझने की जरूरत है। आप हम इससे मुख मोड़ लेते हैं और ये बताते हैं दूसरे का आरोप प्रत्यारोप करते हैं ये गलत बात है। कुप्रबंधन है बोंदिया जी विकास जी आप उसको सिखाइए। अगर बैंकिंग जादू की छड़ी नहीं है सुनिए लेकिन सवाल है कि कुप्रबंधन इतने लंबे समय तक है ये जिम्मेदारी लंबे समय तक नहीं है ये एक एक हफ्ते की ना विकास विकास जी मैं आपको खुद गवाह हूँ विकास जी इस बात का। 20 मार्च को रीवा के 10 एटीएम में मैं घूमा हूँ पैसा नहीं मिला मैं गवाह हूँ। मुझे क्या आवश्यकता थी आप बेहतर समझ सकते नहीं नहीं मैं 22 मार्च को मैं खुद घूमा हूँ रीवा संभाग है। ये प्रॉब्लम आरबीआई तक पहुंचाना चाहिए समय आज एक महीने हो गए। अब पार्टी जी अब गवर्नमेंट ने इनेक्शन लिया ना परसों से आई गवर्नमेंट एक महीने बाद रोज गवर्नमेंट ने समिति बनाई 2,500 करोड़ रुपए रोज छप रहे हैं। चलिए बाजार में सप्लाई हो रहा है समय समाप्त जनता को उसका पैसा मिल जाए बस यही ये होना है। कब मिलेगा एक महीने के लिए जो पैसा जिम्मेदार हो रहा है ये सवाल बहुत बड़ा है विकास जी। एक महीने जो परेशानी हुई है इसका जिम्मेदार कौन है ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मैंने आपको शुरू में बाइट दिखाई है कि बच्चे की फीस नहीं जमा कर पा रहे कोई हॉस्पिटल नहीं जमा करवा क्या कार्रवाई करती है ये अपने को देखना है जी। और पक्ष और विपक्ष सभी को देखना पड़ेगा कि आरबीआई इसमें क्या कार्रवाई करती है और दोषियों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई करती है। पहले तो सरकार क्या करती है उसके कुछ नए मापदंड बनाने पड़ेंगे बदले हुए बाजार की अवस्था हर दिन बनती रहेगी जी बिल्कुल। समाप्त हो गया विकास जी आपके बहुत सारा समय था अभी तक कुछ नहीं कह पाए कोई उत्तर नहीं दे पाए अब क्या दे पाएंगे आप एक मिनट में बिल्कुल गोल गोल घुमाया आपने जलेबी जैसे आपने ये नहीं बताया कि आखिर दोषी कौन है। बैंकिंग की प्रॉब्लम आई है उसे दुरुस्त किया जाएगा जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी और उसके बाद कंफर्ट ऑफ पीपल समय समाप्त हो गया को दूर संजय जी आपका आरपी श्रीवास्तव जी आपका तपेश जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने। तो आज हुई चर्चा के निचोड़ की बात करें तो इतना तो साफ है कि अगर नोटबंदी के 18 महीने बाद भी कैश की किल्लत के हालात पैदा होते हैं तो कहीं न कहीं ये वित्तीय कुप्रबंधन है। और अगर यह स्थिति वित्तीय प्रबंधन के कारण उपजी है तो यह सवाल उठना लाजमी है कि पीएम मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना क्या इसी तरह पूरा होगा।
पीएम ने देश की जनता से 50 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन 18 माह गुजरने के बाद भी यह नजारा देखने को मिल रहा है कि लोग अपने ही पैसे को जरूरत के अनुसार पाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। मतलब साफ है कि संकट के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं बल्कि सरकार और सिर्फ सरकार है। मेरा लाश के इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।